जय हिंद साथियों। साथियों आज लेकर हम हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तो दोस्त चलिए आज चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चंस है जो कि फर्स्ट ईयर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की अवधारणा क्या है। मतलब कि यदि किसी बच्चों में जो विकास की अवधारणा है वो अनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है और पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए क्वेश्चंस जो बोल रहा है कि विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण कि क्या अवधारणा है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। तो लिखा है अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहा जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि जो अनुवांशिक गुण होते हैं जो किसी पीढ़ी वंश के, जैसे मान लीजिए कि जो दादा का गुण है वो पापा में आएगा, जो पिताजी का गुण है वो बच्चों में आएगा, तो ऐसी गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहती है। तो उस अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब स्थानांतरण होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी कि एक समाज की संरचना करने के लिए अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना के तौर पर देखा जाता है। अनुवांशिकता का मूलाधार कोशिका है, मतलब कि अनुवांशिकता का जो मेन बेस है, आधार है, वो क्या है, कोशिका। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ दिया हुआ है कि जिस प्रकार एक एक ईंट को जोड़कर इमारत बनाई जाती है। जी हाँ, आप जानते हैं ना कि एक बड़ा भवन का निर्माण जो है एक एक ईंट को जोड़ने से होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। यानी कि हमारा जो शरीर बना है वो ईंट की तरह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ आगे देखते हैं कि अनुवांशिकता का प्रभाव क्या है, अनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ लिखा है अनुवांशिकता का प्रभाव निम्नलिखित है, यानी कि जो नीचे चार अनुवांशिकता का प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार है। तो पहला है बालक के रंग रूप, यानी कि बालक जो है गोरा होगा, काला होगा, सांवला रहेगा, तो ये रंग रूप किससे आता है, तो उसके माँ पिता से आता है, यानी कि उसके अनुवांशिकता हुआ। दूसरा है बालक का आकार, यानी कि बालक लंबा होगा, चौड़ा होगा, पूरा बौना हो जाएगा, तो ये बालक का जो है आकार भी निर्भर करता है किस पे, वो अनुवांशिकता पर। और तीसरा है बालक का शारीरिक गठन, शारीरिक गठन का मतलब एकदम हट्ठा कट्ठा होना चाहिए, बालक एकदम बिल्कुल पतला दुबला है, तो इस पर भी निर्भर करता है कि उसके माता पिता का शारीरिक कैसा है, शरीर कैसा है, उस पर उसके बच्चे का शरीर का गठन होता है, तो ये भी अनुवांशिक है। चौथा है बालक की ऊंचाई, बिल्कुल सही, अगर माँ पिताजी बहुत लंबे हैं, उसके दादाजी बहुत लंबे हैं, उसके परदादा बहुत लंबे थे, हो सकता है कि उसके अंदर ये गुण लंबा का आ जाए, तो बालक की ऊंचाई भी ये क्या है, अनुवांशिकता का ही एक प्रभाव है। फिर आगे लिखता है जेम्स ड्राइवर, एक वैज्ञानिक का नाम है जेम्स ड्राइवर के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विशेषता का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना एक अनुवांशिक है। देखिए जेम्स ड्राइवर एक वैज्ञानिक है, इनका कहना है कि शारीरिक तथा मानसिक, यानी कि शरीर का विकास और हमारे सोचने समझने बुद्धि का विकास जो है विशेषतः माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। अगर माता पिता देखते हैं बहुत ज़्यादा तेज तरार है तो उसका बेटा उनसे भी और तेज तरार हो जाएगा, यानी कि ये गुण उनके माता पिता से आता है। फिर नेक्स्ट है बीएन झा, ये तो हम लोग अभी जो देख रहे थे वो एक वैज्ञानिक थे जेम्स ड्राइवर। तो जेम्स ड्राइवर के अनुसार हम लोग देख रहे थे कि जेम्स ड्राइवर क्या बताए। फिर है एक वैज्ञानिक का नाम बीएन झा,
अब बीएन झा के अनुसार क्या बताया गया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। यानी कि बीएन झा का कहना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। यानी कि अगर किसी बालक में, बच्चों में विशेषता आएगा तो कहाँ से आएगा? अनुवांशिकता से ही आएगा, यानी कि उसके माता पिता दादा से ही आएगा। फिर उसके बाद है हम लोगों का पर्यावरण। ये तो समझ गए कि अनुवांशिकता का मतलब क्या है। फिर उसके बाद समझते हैं कि आखिर इस पर्यावरण का क्या मतलब है। तो पर्यावरण का अर्थ समझते हैं पहले। पर्यावरण दो शब्दों से बना है, कौन कौन से? परि एवं आवरण, दो दो शब्द से बना है पर्यावरण। एक को कहते हैं परि और दूसरे को आवरण। तो इस तरीके से परि का अर्थ क्या हुआ? चारों ओर। अच्छा, दो शब्द से बना है पर्यावरण, कौन कौन सा? तो दो शब्द से बना है, एक का नाम है परि और दूसरे का आवरण। जहां पे परि का अर्थ क्या है? चारों ओर। परि मतलब चारों ओर, और आवरण का अर्थ है ढकना। यानी कि पर्यावरण दो शब्द से बना, परि और आवरण। परि का मतलब हुआ चारों ओर और आवरण का मतलब ढक लेना। अर्थात पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ? तो चारों ओर से ढकने वाला। अगर चारों ओर से ढक रहा है तो वो क्या है? पर्यावरण। मानव विकास में जितना योगदान अनुवांशिकता का है उतना ही योगदान पर्यावरण का भी है। यानी कि मनुष्य के विकास में, बालकों के विकास में, बच्चों के विकास में अनुवांशिकता का जितना महत्व है उतना ही महत्व पर्यावरण का भी है। वुडवर्थ के अनुसार, देखिए एक और वैज्ञानिक का नाम आया, वुडवर्थ। वुडवर्थ एक वैज्ञानिक का नाम है। इनके अनुसार पर्यावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं। यानी कि वुडवर्थ का कहना है कि पर्यावरण में ऐसे भी बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करते समय व्यक्ति को प्रभावित किया है। मतलब वुडवर्थ का कहना है कि पर्यावरण में भी ऐसा कुछ तत्व मौजूद होते हैं जिससे जीवन को प्रारंभ करने में मदद मिलता है, यानी कि सहारा मिलता है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि अनुवांशिकता एवं वातावरण। देखिए वातावरण का मतलब क्या? वातावरण का मतलब पर्यावरण, ठीक है? पर्यावरण बोलिए चाहे वातावरण बोलिए, दोनों जो है एक ही है। तो यहाँ पे वातावरण लिख दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पे पर्यावरण भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ लिखा है अनुवांशिकता एवं वातावरण का विकास पर प्रभाव। यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव कैसे बदलता है? मतलब किसी भी बच्चा का जब विकास होता है, वो उसके अंदर बौद्धिक क्षमता बढ़ता है, तो उस पर किस तरीके से प्रभाव डालता है? तो अनुवांशिकता एवं वातावरण का विकास पर प्रभाव निम्नलिखित है। अब इसके भी प्रभाव हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला प्रभाव देखा जाए, पहला लिखता है बच्चों का संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा होता है। मतलब क्या कि बच्चों के जो संपूर्ण व्यवहार है, बच्चों का व्यवहार है, ढंग है जिसको कह सकते हैं, वो वंशानुक्रम आता है। यानी कि देखते हैं अगर उसके पिताजी का व्यवहार बढ़िया है तो अक्सर उसके उनके संतान का व्यवहार जो है अच्छा ही होता है। हाँ, अब 100% तो दुनिया में होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर उसके पिताजी बहुत अच्छे व्यवहार का है और उसके उनके जो संतान हो गए वो गलत व्यवहार के निकल गए, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन वंशानुक्रम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा होता है। मतलब कि वो जिस माहौल में रहता है बच्चा, उस माहौल का भी बहुत बढ़िया प्रभाव दिखता है। और दूसरा है, दूसरा पर्यावरण से व्यक्ति शरीर का आकार प्राप्त करता है। अब देखिए अगर पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर का जितने भी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, तो उनसे बालकों का यानी कि व्यक्ति का, मनुष्य का शरीर का आकार प्राप्त होता है। आसपास पूरा हरा भरा मौसम रहता है, आसपास बहुत सारे अच्छा पर्यावरण है, तो
तो वहाँ पे शरीर का जो है विकास पूर्ण रूप से अच्छा से हो पाता है। फिर नंबर थ्री है, नंबर थ्री से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर थ्री है, तीसरा नंबर में है हम लोगों का बालकों की रुचियाँ। रुचियाँ मतलब कि उनको कुछ करने का तौर तरीका, मतलब कि उनका एक बोल सकते हैं ड्रीम, बच्चों की ड्रीम, रुचि, प्रकृतियाँ तथा अभिवृत्ति आदि विकास के लिए भी पर्यावरण अधिक जिम्मेदार होता है। यानी कि बालकों में जो रुचि होती है, ड्रीम होती है, उनके अंदर का जो नेचर होता है, उनका अंदर का कुछ करने का जो तरीका होती है, वो विकास के लिए पर्यावरण अधिक जिम्मेदार है। मतलब कि उनका रुचि, उनका प्रकृति, उनका व्यवहार ढंग, इसमें बहुत बढ़िया रोल निभाता है पर्यावरण। मतलब कि उनका माहौल, जिस माहौल में रहते हैं, उनको उनको बोलने का तरीका, रहने का तरीका, उनके अंदर प्रकृति उसी तरीके का बन जाता है। लेकिन वातावरण, वातावरण मतलब पर्यावरण, वातावरण के साथ भी वंशानुक्रम भी ठीक है तो उसे सार्थक दिशा मिल सकती है। मतलब क्या कि अगर पर्यावरण तो सही है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ अगर वंशानुक्रम भी ठीक है तो उसे सार्थक दिशा मिल सकती है। यहाँ मिल सकती लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि आखिर विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की क्या अवधारणा है। तो दोस्त आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर दोस्त मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अगले क्लास में एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।